जरिया में शादी का झांसा देकर एक युवक ने नाबालिग के साथ यौन शोषण करता रहा। इस दौरान युवक नाबालिग के साथ कई महीने तक शारीरिक संबंध बनाया और जब प्रेमिका गर्भवती हो गई तो प्रेमी परिवार के साथ घर छोड़कर फरार हो गया। इधर इस बात की जानकारी जैसे ही युवती के परिजनों को लगती है, ये तुरंत थाना पहुंचते हैं और पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हैं। पुलिस ने नाबालिग का बयान दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। क्या हुआ आपकी लड़की के साथ? बलात्कार हुआ है तो लड़का झरिया का बलगदा वाला। क्या नाम है लड़का का? लड़का का राहुल कुमार। अभी आपकी बेटी कितने महीने की गर्भ है? 8 महीना। आप महिला थाना गए तो क्या बोली वहाँ महिला? महिला थाना तो बोला है कि 4 दिन के बाद में लड़का यहाँ आ जाएगा सर। तो फिर झरिया की थाना में क्यों आए आज? आ जाएंगे जैसे कि बोला कि जाओ झरिया थाना जानकारी दे दो। तो झरिया थाना में जानकारी देने आए? हाँ। क्या बोला झरिया थाना? झरिया थाना वाला बोला कि अभी बाबू बड़का दरोगा बाबू नहीं है। हाँ। क्या हुआ था वहाँ? हाँ बोला ठीक है 4 दिन के अंदर में लड़का आ जाए। उसके बाद? उसके बाद बोला घर चल जा। अभी पुलिस कुछ नहीं बोल रहा? नहीं। क्या मांग कर रहे हो तुम पुलिस से? मांग रहे हैं कि लड़का बोला कि शादी करा दीजिए। अभी थाना झरिया थाना आई तो क्या बोला गया? ये बोला कि अभी कुछ नहीं होगा। अभी आप कहाँ आई हो? यहाँ झरिया थाना। झरिया थाना? हाँ। तो यहाँ के पुलिस से मिली? हाँ, क्या बोला? बोला कुछ नहीं होगा।